शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम 35 फंदों की चेन बना लेंगे। तो नॉर्मल एक एक करके अभी चेन हम किस हिसाब से बनाएंगे ये हमें देखना होगा। पहले मैं 35 की चेन बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम 35 की एक एक करके, ये एक हो गया, दो, तीन, इस तरह करते हुए 35 की चेन बना लेंगे। अब देखिए ये मैंने 35 की चेन बना ली है। अब इसके बाद ये चेन का नाप हम कैसे लेंगे, जिस भी साइज़ का हमें बनाना है उसका सर का हम नाप ले लेंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल ठीक आ रही है ना, ये जो हमारा नीचे की तरफ आएगा वो बनेगा। तो इसमें हम देखेंगे, अगर आप छोटे कान्हा जी की बना रहे हैं तो उनकी टोपी से नाप सकते हैं। कुछ भी चीज़ करके आप सिर्फ उसका नीचे का नाप देख लीजिए कि कितना आएगा, तो उतनी चेन हमें बनानी है। मेरे ठाकुर जी को 35 फंदों की चेन का ठीक आता है। अब जैसे हम सबसे पहले तीन एक्स्ट्रा और बनाते थे वो नहीं बनाएंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग चेन के अंदर डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे तीन की चेन बनाएंगे। ये मेरा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए हर एक स्टिच में से मुझे एक एक डबल क्रोशिया करना है, तो हर एक स्टिच में से मुझे एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह बल लिया, स्टिच के अंदर डाला, बाहर निकाला, तीन हो गए, तीन का एक कर देना है। फिर बल लिया, नेक्स्ट देखिए जो वी दिख रहा है इसके स्टिच में इस तरह से डालेंगे, बाहर निकालेंगे, तीन हो गए, तीन का एक कर दिया, बल लिया, नेक्स्ट स्टिच में डाला, बाहर निकाला, तीन हो गए, तीन का एक कर दिया। तो इस तरह करते हुए मैं सारे 35 की पूरा कंप्लीट करके यहीं तक ले आऊँगी। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो स्टार्टिंग की चेन है इसके अंदर इस तरह से डालेंगे, बाहर निकालेंगे, दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल। अब मेरा स्लिप स्टिच हो गया। अब मैंने एक ही चेन बनाई, ठीक है, फिर बल लिया। अब देखिए अब जितने मैंने स्टिचेस किए हैं ना उसमें आगे पहले एक के अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक इस तरह से आगे से डाला, ये मेरा फ्रंट पोस्ट हो गया, बाहर निकाला, तीन हो गए, तीन का एक कर दिया, फिर बल लिया। नेक्स्ट को इस तरह से पीछे से डालेंगे, इस तरह से बाहर निकाला, ये बैक पोस्ट हो गया, ऊपर खींचा, तीन हो गए, तीन का एक कर दिया, फिर बाहर निकाला, फिर बल लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में देखिए इस तरह से डाल के फ्रंट पोस्ट। तो कहने का मतलब है एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट करूंगी। बल लिया, नेक्स्ट के अंदर इस तरह से डाला, बाहर निकाला और बाहर निकाला, ठीक है। तो एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोपी का जो सर पे बॉर्डर आएगा बॉर्डर का थोड़ा टाइट होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह करते हुए इस लाइन को मैं कंप्लीट करूंगी, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट इस तरह करते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए मैंने रो कंप्लीट कर ली है। स्टार्टिंग की जो तीन की चेन मैंने बनाई थी उसी के अंदर इस तरह से डाल के स्लिप स्टिच कर लूंगी। मेरा सर्कल पूरा हो गया। बहुत गफा हुआ आता है इसलिए शायद क्लियरली दिख नहीं रहा। अभी देखिए यहाँ से ना थोड़ा छोटा भी हो जाएगा क्योंकि जो बैक स्टिच होते हैं वो पीछे घुस जाते हैं। अब फिर मैं तीन की चेन लूँगी और ये एक रो और करूँगी। इसके अंदर मुझे ध्यान क्या रखना है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो अब फ्रंट स्टिच है बस उसको इस तरह से उठा के फ्रंट करना है। इसके अंदर हमें धागा ऐसे ऊपर नहीं खींचना है, इसके अंदर हमें छोटा रखना है। फिर जो बैक स्टिच है इस तरह से बैक में से लिया, वो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा, ऊपर ज़्यादा नहीं खींचना है, बस छोटे स्टिच बनाने हैं। अब फिर फ्रंट स्टिच लिया, इस तरह करते हुए मैं एक रो और कर लूँगी इसको कंप्लीट। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया, इस तरह से आ गया। अब मैं अपना पैटर्न स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पे पहले तीन की चेन बनाएंगे। ये मेरा पहला डबल क्रोशिया हो गया, ये तीन की चेन बनाई, ये मेरा पहला डबल क्रोशिया होगा। तो अब मैं अपना पैटर्न स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद
ये जो सीधा मैंने बनाया था इसके ऊपर ये चेन बनाई है। अब नेक्स्ट जो उल्टा है उसके ऊपर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से, फिर बल लिया। अब देखिए एक जो सीधा है एक उल्टा है, दो स्टिच मुझे छोड़ने हैं। तीसरा जो ये सीधा है इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया चेन, फिर दो डबल क्रोशिया यहां बनाने हैं, डबल क्रोशिया, फिर दो स्टिच छोड़ने हैं। तो सीधे पे मैंने बनाया उल्टा और ये सीधा, ठीक है। फिर उल्टे के ऊपर, यहां उल्टा है, उल्टे के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये स्टिच है ना, क्योंकि अभी हमने आगे और पीछे से करे हैं, बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट करा है, इसलिए थोड़ा सा वो लगेगा बट इजीली हो जाता है। फिर सीधे के अंदर भी एक और डबल क्रोशिया। तो अब मेरा पैटर्न यही चलेगा, एक स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ नीचे दो स्टिच छोड़े, दो डबल क्रोशिया चेन, दो डबल क्रोशिया करा, नीचे फिर दो स्टिच छोड़े और दो डबल क्रोशिया, ये यहीं से शुरू हो रहा है। तो ये 7 स्टिचेस का मेरा एक पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए नीचे मैंने पहले एक करा, दो, दो छोड़े, चार हो गए, पांचवे के अंदर ये पूरा बनाया, फिर दो छोड़े, 6 7। तो इस तरह मेरे 7 स्टिचेस का एक है। तो अब मेरे 35 स्टिचेस हैं, तो अब मैं उसमें इसी तरह रिपीट करते हुए 35 के अंदर, 35 के अंदर 5 ये ग्रुप बना लूंगी। जो ये मेरा ग्रुप आता है इससे मेरी एक लीव बनती है, तो इस तरह मैं 5 बना के ये कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए मैं लास्ट पे पहुंच गई हूँ, लास्ट में जो मैंने शुरू में चेन करी थी उसके साथ इस तरह से डालूंगी, बाहर निकालूंगी, दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दूंगी, फिर दो की चेन, तीन की चेन बनाऊंगी, बल लूंगी। अब मुझे जो ये मैंने ये वाली रो की है बिल्कुल सेम इसके ऊपर रिपीट करना है, कोई चेंज नहीं। ये वाली चेन और ये वाली चेन, पहला डबल क्रोशिया हो गया, फिर सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से बल लूंगी, दो डबल क्रोशिया करे, फिर बल लिया। अब ये जो बनाया है पैटर्न इसके बीच में से इस तरह से निकाला, दो डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया करा, दो डबल क्रोशिया चेन, दो डबल क्रोशिया, और फिर जितने अगले नेक्स्ट जो स्टिच है इसके ऊपर। तो इसके अंदर ना मुझे कुछ घटाना है ना बढ़ाना है, बस एग्जैक्टली जैसी पहली रो करी है उसी के ऊपर हम सेम ये वाली रो करते जाएंगे। तो इस तरह करते मैं रिपीट कर लूंगी, सेम जितनी जैसी पहली रो करी है सेम उसी के ऊपर हम ये करते जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना है हमारे स्टिचेस के हिसाब से, जैसे मैंने दो डबल क्रोशिया पे शुरू किया था तो खत्म मेरा इस ग्रुप के ऊपर होना चाहिए, दो डबल क्रोशिया चेन, डबल दो डबल क्रोशिया पे इस ग्रुप के साथ। ऐसा ना हो कि आपके यहाँ लास्ट में भी दो डबल क्रोशिया है तो यहाँ शुरू में फिर 4 हो जाएंगे, तो सर्कल के अंदर हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लूंगी, ठीक है, मैंने कंप्लीट कर ली है ये रो भी। अब मैं स्टार्टिंग में आ गई हूँ, तो उसी तरह से चेन के अंदर से इस तरह से निकालेंगे, दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया, ठीक है। फिर 3 की चेन बना के नेक्स्ट रो को शुरू करेंगे। अब देखिए नीचे का मेरा थोड़ा टाइट आएगा, ऊपर का थोड़ा ढीला खुला हुआ आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो हमने एक सीधा एक उल्टा करते हैं ना, इससे ये थोड़ा सा बंद हो जाता है, तो जो सर की पट्टी है वो थोड़ी सी टाइट आती है और ये ऊपर वाला खुला हुआ हिस्सा आता है। अब मैंने 3 की चेन बना के शुरू किया है, फिर बल लूंगी, दूसरे जो मैंने डबल क्रोशिया किया था उसके ऊपर एज इट इज एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब यहाँ पे मुझे बनानी है अपने 8 फंदों की चेन, तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 की मैंने चेन बनाई, अपने वर्क को टर्न किया। अब यहाँ जहाँ मैंने दो डबल क्रोशिया चेन, दो डबल क्रोशिया किया, उसी में लेंगे सबसे नीचे वाली में, इस रो के नीचे वाली में इस तरह से डाला, इसमें से बाहर निकाला, दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया। अब अपने वर्क को इस तरफ टर्न कर लिया, बल लिया और इसके अंदर मैं 10 हाफ डबल क्रोशिया करूंगी, तो बल लेके तीनों का एक कर दूंगी, बल लिया, इसके बीच में से इस तरह निकाले, 3 हो गए, 3 का सीधा एक कर दिया, बल लिया, इसके बीच में से निकाला, 3 का सीधा एक कर दिया,
बल लिया, इसके बीच में से निकाला, इस तरह से तीनों का एक कर दिया, चार पांच छः सात आठ नौ दस, इस तरह से अब यहाँ पे इस थ्रेड को छोड़ देंगे, वर्क को सीधा करेंगे। जो सेकंड डबल क्रोशिया बनाया है उसमें जो ये वी है उसके बीच में से थ्रेड को, दोनों को, वी के दोनों उसको इस तरह से पकड़ेंगे क्रोशिया हुक पे, इसको खींच के यहाँ लाएंगे और इसमें से निकाल देंगे, एक की चेन बनाएंगे, बल लेंगे। अभी जो बीच वाला पैटर्न है इसको सेम रखेंगे, दो डबल क्रोशिया चेन, दो डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे फिर आठ की चेन बनाएंगे, आठ आठ की चेन बनाई, बल लिया, अपने वर्क को उल्टा किया, जहां ये डाला है इसी के साथ इस तरह से अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे, धागे से बल लेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया और अपने वर्क को इस तरफ टर्न कर लिया और यहाँ पे 10 फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 10 बनाया। अब यहाँ पे ना तो मुझे कहीं ज्वाइनिंग देनी है ना चेन बनानी, जैसे ये बनाने के बाद हमने चेन बनाई थी ना, तो अब यहाँ पे सीधा बल लेंगे और ये जो दो डबल क्रोशिया है इन्हीं के ऊपर दो डबल क्रोशिया करेंगे, तो इस तरह से एक नेक्स्ट के ऊपर दूसरा, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह से आ गया। अब दोबारा आठ के चेन बनाएंगे, आठ की चेन बनाई, इसके अंदर वापस जॉइनिंग ऐसी थी, दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया, फिर यहाँ बल लिया और 10 हाफ डबल क्रोशिया बना ली, धागा छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे ये जो दूसरा बनाया उसके साथ, इसमें से निकाला, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया, एक की चेन बनाई और फिर ये अपना ये वाला पैटर्न स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह करते हुए ये मेरे सारे आ जाएंगे, ये मैं कंप्लीट कर लूंगी यहाँ तक। इसके बाद जितनी मुझे रोज बनानी है, मतलब जितनी कैप की हाइट रखनी है उतनी हम कर लेंगे, मिनिमम ये हम तीन तो बनाएंगे, तो ये दो के बाद तीसरी रो मेरी चल रही है, दो रोज और बनाएंगे, तो टोटल पांच रोज हम कर लेंगे, टोटल पांच रोज जिसके अंदर तीन ये हमारे बनेंगे। तो इस तरह करते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे, देखिए इस तरह करके मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, यहीं पे स्टार्टिंग में आके मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं सेकेंड राउंड करूंगी, इसी तरह दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर चेन बना के इसके बीच में सेकेंड यहाँ पे लाके अटैच करूंगी और उसी तरह से सारा बनाऊंगी। तो ये हम कंप्लीट कर लिया है, मैं स्टार्टिंग में आ गई हूँ। स्टार्टिंग में फिर उसी तरह से चेन में डालेंगे, बाहर निकाला तो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया। अब यहाँ पे मैं अपने थ्रेड को कट करूँगी, इससे ज़्यादा लंबी मैं हाइट नहीं ले रही हूँ, ये तीन का ग्रुप मैंने बनाया है, ऊपर से देखिए ऐसे चौड़ा आएगा, नीचे से ऐसे छोटा आएगा। अब इसके थ्रेड को मैं यहाँ कट कर लूँगी, थोड़ा सा लंबा थ्रेड रख के फिर कट करूँगी। ये थ्रेड मैंने कट कर लिया है, अब इसमें से यहाँ इसको बाहर निकाल लूंगी,
और ये टाइट कर दूंगी। तो मेरा बंद हो गया। अब यहाँ पे अपनी ऊन सीने वाली सुई डाल लूंगी। अब यहाँ से देखिए इस तरह सुई निकालते रहेंगे, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं डालने हैं टांके। ये ऊपर वाली लेयर में से हम लेते रहेंगे, ये बिल्कुल ऊपर लेना है जहाँ हमारी ये टॉप लेयर है, इस तरह से बिल्कुल टॉप वाली में से, स्टिचेस के बीच में से नहीं, बिल्कुल टॉप में से। तो इसको हम सारे को सी लेंगे। इस तरह करते हुए मैं सारे में से चारों तरफ से हम सी लेंगे। ये देखिए पूरा ले आए हैं। अब मैं इसको यहाँ पे खींच दूंगी अच्छे से। खींचने के बाद एक बार इन लीव्स को सेट करूंगी हाथ से इस तरह से। जो ये पांच लीव्स हैं ये इस तरह से आने चाहिए। अच्छे से पूरा टाइटली खींच दिया। अब इसके बाद एक बार यहाँ पे पक्का कर दूंगी। इस तरह से आ गई। अब यहाँ ऊपर हम एक पॉम पॉम लगा सकते हैं, कुछ और डेकोरेशन के लिए इधर मोती लगा लीजिए। तो डेकोरेशन पार्ट टोटल आपके ऊपर रहेगा कि आप इसको किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं। अब हम इसको पूरा डेकोरेट कर लेंगे। पॉम पॉम मैं सेकंड कलर से बना रही हूँ। इस तरह से हाथ के ऊपर लपेट के इसको बाहर निकालेंगे और हाफ के ऊपर इस तरह थ्रेड लपेट देंगे। इसको कट मैं बाद में करूंगी, पहले इसको मैं उस पे ज्वाइन कर लूंगी। देखिए इस तरह से आ गया। अब इसके बाद मैं ब्लू की एक स्टार्टिंग किनारी बनाऊंगी। तो देखिए जो मेरा जो मैंने स्टार्ट किया था इस तरह से, अब ये दोनों थ्रेड्स को मैं साथ साथ रखूंगी। चेन के बीच में से इस तरह से निकाला, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया, एक चेन बनाई। चेन बनाई, स्टिच के बीच में से इस तरह से डालूंगी, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाला और एक चेन बनाऊंगी। इस तरह करते हुए मैं सारे स्टिचेस के बीच में करके यही ले आऊंगी। देखिए किनारी मैंने इस तरह से पूरी कर ली है। आप चाहें तो यहाँ ऊपर भी किनारी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब मैं यहाँ पे जैसे हमने पोशाक में मोती लगाए थे ऐसे में मोती लगा लूंगी। देखिए मेरी तैयार हो गई है, इस तरह से आई। अगर आप सिंगल कलर में बनाते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मैंने पांच ये बनाई है लीव्स और बीच में गैप नहीं छोड़ा। इसके अंदर मैंने चार बनाई है, 1, 2, 3 एंड 4, और बीच में मैंने ज्यादा वो दे दिए थे, तो इसको हर लाइन में मैं कम करती गई हूँ। इसमें मैंने 2 का कांस्टेंट पैटर्न रखा। तो अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी ये पत्तियां चाहते हैं बनाना। ये सिंगल कलर में है, ये मेरी डबल कलर में है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कैप भी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको मैचिंग अपनी कान्हा जी के लिए बनाएंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखिएगा।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।